हेलो किड्स, मैं शमीना टीचर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सुंदर प्यारी सी कहानी। ये कहानी आपको चार बातें सिखाती है। पहली ये कि कभी भी विषम परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। दूसरी ये कि अगर आपको छोटी सी खुशी मिल जाए तो उसके लिए हद से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तीसरी ये कि अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका बुरा करेगा। और चौथी ये कि अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका हितैषी हो। कहानी है एक नन्ही चिड़िया की। एक चिड़िया आसमान में उड़ी चली जा रही थी। अचानक तेज़ हवा चलने लगी, ठंडी हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लगी। चिड़िया को ठिठुरन होने लगी, उसको ठंड लगने लगी, उसको उड़ान भरने में दिक्कत हो रही थी, वो घबराने लगी। वो पूरी मेहनत कर रही थी पर पहुँच नहीं पा रही थी अपने किसी पेड़ या घोंसले तक। अचानक वो थक गई और उसने सोच लिया कि अब मैं नहीं बचूंगी, और उसका उड़ना बंद हो गया, वो गिर गई। वो गिरी तो एक पोखर जहाँ पानी भरा रहता है छोटी सी जगह में जाकर गिर गई। पानी में वो भीग गई पूरी। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे वो उस पानी से बाहर आई। वो बाहर आकर बैठी, अपने पंख उसने सुखाने की कोशिश की पर हवा चल रही थी। तभी वहाँ से एक गाय निकली। गाय उसके पास आके खड़ी हुई। गाय का गोबर चिड़िया के ऊपर गिर गया। गोबर गर्म था। चिड़िया को बड़ी राहत महसूस हुई। चिड़िया को राहत महसूस हुई तो उसे अच्छा लगने लगा, उसको ठंड कम हुई। जैसे ही ऐसा हुआ, चिड़िया ने ज़ोर ज़ोर से गाना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत खुश हो रही थी। वो गाना गाने लगी। अब बाहर का तो उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। पास से एक बिल्ली निकल रही थी। बिल्ली गुजरते हुए सोचने लगी, आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसने देखा ये आवाज़ तो गोबर के पास से आ रही है। बिल्ली गोबर के पास गई और उसने गोबर को हटाया। देखा तो वहाँ चिड़िया थी। उसने चिड़िया को हाथ में उठाया, पानी से धोया और खा गई। इसलिए कभी भी आपको इन चारों बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।